हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में हम मेमोरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में मेमोरी से कितने क्वेश्चंस आए थे, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। और क्योंकि मेमोरी लर्निंग की ऐसी ही वीडियो मैंने बना रखी है लर्निंग PYQ की, आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लर्निंग वाले MCQs को देख सकते हैं। और साथ ही मेमोरी, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी साइकोलॉजी के एग्ज़ाम में मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से आपके 7 से 8 क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग सेंसरी इनपुट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ कोड विच कैन बी स्टोर्ड। वह प्रकृति क्या है जिसके अंतर्गत संवेदन आगत की प्राप्ति और उसका कूट लेखन में परिवर्तित करके भंडारण किया जाता है, एनकोडिंग, डिकोडिंग, रिकॉर्डिंग और रिट्रीविंग। तो यहाँ इस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एनकोडिंग यानी कि कूट लेखन। कूट लेखन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संवेदी सूचनाओं को स्मृति में भंडारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ मेमोरी पीपल आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ बट कैन अफेक्ट देयर सबसिक्वेंट परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। किस प्रकार की स्मृति में व्यक्ति जागरूक ना होने के बावजूद अपने आगामी निष्पादन एवं व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, अंतर्निहित स्मृति, सुव्यक्त स्मृति, शब्दार्थ स्मृति और घोषणात्मक स्मृति, इम्प्लिसिट मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी एंड डिक्लेरेटिव मेमोरी। तो यहाँ इम्प्लिसिट मेमोरी इसका करेक्ट आंसर है। अंतर्निहित स्मृति बिना व्यक्ति के संज्ञान में आए उसके व्यवहार और निष्पादन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, विच काइंड ऑफ मेमोरी इज यूज फॉर एक्वायरिंग स्किल्स एंड हैबिट्स। कौशल एवं आदतों को अर्जित करने के लिए किस प्रकार की स्मृति का प्रयोग किया जाता है, डिक्लेरेटिव मेमोरी, प्रोसीड्यूरल मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्रक्रियात्मक स्मृति यानी कि प्रोसीड्यूरल मेमोरी। यहाँ पे कौशलों और आदतों को अर्जित करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसको नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहा हुआ है। नेक्स्ट, सोहन मेट विथ अ हेड इंजरी इन अ रोड एक्सीडेंट। सिंस द एक्सीडेंट सोहन इज अनेबल टू फॉर्म न्यू मेमोरीज, ही रिमेंबर्स मैनी थिंग्स विच ही डिड बिफोर एक्सीडेंट बट ही कैन नॉट रिमेंबर वॉट ही सेड 15 मिनट्स अगो। द पार्ट ऑफ सोहन स्प्रेन विच वॉज मोस्ट प्रोबेबली इंजर्ड वॉज, एक सड़क दुर्घटना में सोहन के सर में चोट लगी। दुर्घटना के बाद सोहन की नई स्मृतियों की क्षमता नहीं बनी, उसको दुर्घटना से पहले हुई बहुत सी घटनाएं याद रहीं परंतु वह 15 मिनट पहले हुई घटना को याद नहीं कर सकता। सोहन के मस्तिष्क के किस भाग में चोट लगने की अधिक संभावना है, ब्रेन स्टेम, हिप्पोकैम्पस, स्पाइनल कॉर्ड और रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोकैम्पस। तो आप सब जानते होंगे कि हिप्पोकैम्पस जो है वो नई मेमोरीज बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और हिप्पोकैम्पस में चोट लग जाती है तो न्यू मेमोरीज फॉर्म नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट रेफर्स टू एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन। सूचना के कूट लेखन, भंडारण एवं पुनः प्राप्ति को क्या कहा जाता है, मेमोरी, आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसेस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, अकॉर्डिंग टू टुलविंग द 3 सिस्टम्स ऑफ मेमोरी आर। ट्यूलिंग के अनुसार स्मृति की 3 अवस्थाएँ हैं, इमीडिएट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। नेक्स्ट है वर्किंग मेमोरी, मेटा मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। नेक्स्ट है प्रोसीड्यूरल मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी। नेक्स्ट है सेंसरी मेमोरी, न्यूमेमोनिक्स और सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ट्यूलविंग ने जो मेमोरी के टाइप्स बताए हैं तो उनका जो क्लासिफिकेशन है वो प्रोसीड्यूरल मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी के अकॉर्डिंग में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रकार से व्यवस्थित है, सीक्वेंस पूछा हुआ है यहाँ पे मेमोरी का, एनकोडिंग, रिट्रीवल और स्टोरेज। नेक्स्ट है एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, स्टोरेज, एनकोडिंग, रिट्रीवल
और लास्ट है रिट्रीवल एनकोडिंग और स्टोरेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मेमोरी जो फॉर्म होता है उसके ये थ्री स्टेजेस होते हैं, ये थ्री सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले एनकोडिंग का प्रोसेस होता है जिसमें कि हम जो भी चीज़ को देखते हैं उसके जो चिन्ह होते हैं, जो ट्रेसेस होते हैं, वो हमारे ब्रेन में इनकोड होते हैं, फिर वो हमारे ब्रेन के पार्ट्स में स्टोर होते हैं और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तब हम उसका रिट्रीवल करते हैं। रिट्रीवल के भी दो प्रोसेस होते हैं, एक तो रिकॉल और एक रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी कंसिस्ट द मेमोरी लेन? अतीत को याद करना किस प्रकार की स्मृति में पाया जाता है? एपिसोडिक, सिमेंटिक, लॉन्ग टर्म मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी? तो अतीत को याद करना एपिसोडिक मेमोरी से रिलेटेड है, क्योंकि एपिसोडिक मेमोरी हमारी लाइफ की घटनाओं से संबंधित होता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसको ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी कहा हुआ है, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसको फ्लैशबल्ब मेमोरी भी कहा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको टर्म्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। लघुकालीन स्मृति दीर्घकालीन स्मृति से कैसे भिन्न है? हाउ शॉर्ट टर्म मेमोरी डिफर्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी? कैपेबिलिटी, रिहर्सल, कोडिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी से ये इन तीनों तरीके से भिन्न है। कैपेसिटी भी अलग होती है, एनकोडिंग भी दोनों का अलग होता है और दोनों का रिहर्सल भी अलग होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिहर्सल कम होता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म तक ही रह जाता है। जब हम रिहर्सल ज़्यादा करते हैं तो वो मेमोरी हमारे लॉन्ग टर्म में चली जाती है। कैपेसिटी भी कम होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो 30 सेकेंड बताया गया है और लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो स्टोरेज है या फिर इसकी जो कैपेसिटी हम कह सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बताई गई है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, पूरी लाइफ टाइम के लिए भी हमें याद रह सकता है। कोडिंग को भी यहाँ पे बताया गया है, तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। पश्चगामी स्मृति भंस में निम्नलिखित में किस प्रकार की समस्याएँ पाई जाती हैं? इन रिट्रोग्रेड एमनेशिया विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज सीन? प्रॉब्लम्स विथ रिकॉलिंग प्रीवियसली लर्न्ड मटेरियल, प्रॉब्लम्स विथ फेस रिकॉग्निशन, डिफ़िकल्टी फाइंडिंग रूट्स, पुअर एनकोडिंग ऑफ वर्बल मटेरियल, पूर्व अधिगमित सामग्री के पुनः स्मरण में समस्या, मुख पहचानने में समस्या, मार्ग ढूंढने में कठिनाई और वाचिक सामग्री के कूट लेखन में समस्या। तो यहाँ पे रिट्रोग्रेड अमनेशिया में पूर्व में हमने जो सीखा है उससे रिलेटेड जो मेमोरी होती है वो व्यक्ति भूल जाता है। पश्चगामी स्मृति में व्यक्ति पहले की घटनाओं को भूल जाता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मरण शक्ति का सबसे अधिक संवेदनशील उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ दीज इज द मोस्ट सेंसिटिव मेजर्स ऑफ मेमोरी? रिकॉग्निशन, क्यूड रिकॉल, रीलर्निंग एंड रिकॉल। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो रीलर्निंग को बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। किसने सबसे पहले यह मत दिया था कि स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? बॉटलेट, जैक्सन, एटकिंसन और लॉकहार्ट। तो यहाँ इसका राइट आंसर है बॉटलेट। बॉटलेट ने मेमोरी को एक प्रोडक्टिव या क्रिएटिव प्रोसेस बताया था, जिसमें कि हम किसी चीज़ को जिस प्रकार से लर्न करते हैं उसमें अपनी क्रिएटिविटी लगा करके उसका रिकॉल करते हैं, उसका हूबहू रिकॉल नहीं करते। और इसके अगेंस्ट में एविंग हॉस ने बताया था कि हम जिस प्रकार से, उन्होंने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दिया हुआ था जिसके अकॉर्डिंग हम जिस चीज़ को जैसे लर्न करते हैं, जैसे याद करते हैं, उसका हम हूबहू उसका बिल्कुल हम डिट्टो वैसे ही उसका रिकॉल हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिएटिव प्रोसेस है ये बॉटलेट ने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। स्मृति का कौन सा सिद्धांत कार्यालय फाइल पद्धति के समान है? विच व्यू ऑफ मेमोरी इज सिमिलर टू ऑफिस फाइलिंग सिस्टम? कॉग्निटिव व्यू ऑफ मेमोरी, बिहेवियरिस्टिक व्यू ऑफ मेमोरी, न्यूरोलॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी और सोशल व्यू ऑफ मेमोरी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंसरी इनपुट इनटू अ फॉर्म डेट कैन बी प्रोसेस्ड बाय मेमोरी सिस्टम इज नोन एज? स्मृति तंत्र द्वारा प्रक्रियात्मक किए जा सकने वाले संवेदनात्मक आगत के रूपांतरण के आरूप को
डिकोडिंग, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल, तो इसको हम एनकोडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आफ्टर वन वीक इंटरवल पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑन रिकॉल ऑफ क्यूट पिक्चर्स वेयर आस्क्ड टू रिकॉग्नाइज द पिक्चर्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिकॉग्निशन स्कोर्स वेयर हायर। कूट चित्रों के पुनर्स्मरण के एक प्रयोग में प्रतिभागियों को एक सप्ताह के अंतराल के बाद पहचानने के लिए कहा गया, इस परिस्थिति में पहचान प्राप्तांक अधिक पाए गए, भौतिक रूप से समान विचलन कारक, सामाजिक रूप से समान विचलन कारक, आदि प्ररूप समान विचलन कारक और मौलिक चित्र, फिजिकली सिमिलर डिस्ट्रक्टर, सोशली सिमिलर डिस्ट्रक्टर, प्रोटोटाइप सिमिलर डिस्ट्रक्टर और ओरिजिनल पिक्चर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंटर्स लॉन्ग टर्म मेमोरी दो एलाबोरेटिव रिहर्सल, साइमल्टेनियस रिहर्सल, मेंटेनेंस रिहर्सल एंड सिक्वेंशियल रिहर्सल। लघुकालिक स्मृति की सूचना दीर्घकालिक स्मृति में डैश से प्रविष्ट होती है, सुविस्तृत पूर्वाभ्यास, समक्षणिक पूर्वाभ्यास, संरक्षण पूर्वाभ्यास और अनुक्रमिक पूर्वाभ्यास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलाबोरेटिव पूर्वाभ्यास रिहर्सल, क्योंकि जब हम विस्तृत रूप से रिहर्सल करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन एसटीएम से एलटीएम में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द डिफरेंस बिटवीन एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी, इन्फॉर्मेशन डैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड वर्बली, सोर्स मॉनिटरिंग, रियलिटी मॉनिटरिंग, एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ब्रेन रीजन। निम्नलिखित में से कौन प्रासंगिक स्मृति और अर्थात्मक स्मृति में अंतर को दर्शाता है, सूचना जिसको शाब्दिक रूप से व्यक्त की नहीं किया जा सके, स्रोत अनुवीक्षण, यथार्थता अनुवीक्षण, मस्तिष्क के विभिन्न मंडलों का क्रियाकलाप। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोप ओपेरा लॉस सिग्निफाइज रिट्रोग्रेट अमनेशिया, एंटोग्रेट अमनेशिया, रिप्रेशन और मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। तो सोप ओपेरा हानि चरितार्थ जो है वो रिट्रोग्रेट अमनेशिया को बताती है, डिफाइन करती है। ये एक टर्म को भी यूज़ किया गया है, सोप ओपेरा हानि चरितार्थ, ये रिट्रोग्रेट अमनेशिया के लिए इसको यूज़ किया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। रिट्रोग्रेट अमनेशिया क्या है, जब व्यक्ति पहले की मेमोरीज उसकी लॉस हो जाती हैं, पहले की मेमोरीज़ को वो अब रिकॉल नहीं कर पाता है। एंट्रोग्रेट अमनेशिया क्या है, वो बाद की मेमोरीज़ को पहले की सारी चीज़ें याद हैं लेकिन कुछ टाइम पहले की चीज़ उसको याद नहीं होती है। दमन क्या है, तो दमन सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि फ्रेड के द्वारा दिया गया था। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग क्या है, तो मोटिवेटेड फॉरगेटिंग फॉरगेटिंग की एक थ्योरी है जो कि सिगमंड फ्रेड के द्वारा दिया गया था, जिसमें कि हम भूलना चाहते हैं इसलिए भूलते हैं, यानी कि हम भूलने के लिए प्रेरित रहते हैं। तो ये चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज़ ये ख़त्म होती है मेमोरी की। मैं कोशिश करूँगी इसी तरह से हर टॉपिक के एमसीक्यूज़ को मैं लेकर आऊँ। और यहाँ पे आपको किस तरह से पढ़ना है, जैसे मैंने ये लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, इसको तो आप पढ़िए ही पढ़िए, साथ में ये जो तीन ऑप्शन दे रखे हुए हैं उसको भी थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। अलग से इसके नोट्स बना सकते हैं कि इसमें ये क्या चीज़ होती है, वो किससे अलग है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमें बाकी ऑप्शंस के बारे में पता है कि वो किससे रिलेट कर रहा है, एक ऑप्शन अगर हम नहीं भी जानते हैं तो फिर हम आइडिया लगा लेते हैं कि वही आंसर हो सकता है, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रहे। तो इस तरह से भी आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे, और अभी तक पीजीटी की डेट रिलीज़ नहीं की गई है, जारी नहीं की गई है, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।